बल्कि तुम जैसे लूटने वाले चंद अमीर है। जी हाँ, कुछ इस तरह से ही था रेड का डायलॉग अजय देवगन का। और ये फिल्म भी कमाल की रही थी और सभी को ये फिल्म पसंद आई थी। इंडिया में करीबन करीबन 103 करोड़ के ऊपर इस फिल्म ने कमाई कर ली थी। इसका जो ट्रेड फिगर है वो अभी भी 99 करोड़ के आसपास है। और देखते हैं कहाँ तक कलेक्शन जो आता है। आप सोचोगे ये फिल्म क्या अभी भी चल रही है या मैंने क्यों ये वीडियो बनाया, तो चलिए आपको बता दूँ, ये फिल्म ने 50 दिन कंप्लीट कर लिए है। जी हाँ, 50 दिन कंप्लीट कर लिए है। मार्च 16 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा। और अभी भी फिल्म चल रही है। जी हाँ, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, ये भी फिल्म चल रही है PVR मनी स्क्वायर मॉल कोलकाता में। ये फिल्म चल रही है, ये है टुमारो, यानी कि कल का दिन का, ठीक है, 5 तारीख है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फोटो हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए रेड फिल्म, 11:15 का शो है, ठीक है, अभी भी आप देख सकते हैं। रेड फिल्म आई थिंक कुछ और थिएटर्स में भी चल रही है, बट आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल देख सकते हैं, लोग देखने जा रहे हैं इस फिल्म को, जो अच्छी खासी बात है। इसे कहते हैं अजय देवगन की फिल्म की जो है ना पॉपुलैरिटी अभी भी चल रही है। PVR मनी स्क्वायर मॉल कोलकाता में, मुझे इसके बारे में सुबह ही मेरे किसी दोस्त ने अपडेट किया था और इसलिए मुझे ये याद था, लेकिन फिर भी मैं दिन में आई थिंक भूल गया था। लेकिन मुझे लगा यार इसको बनाए बगैर मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने बना दिया कि भैया रेड के पूरे हो चुके हैं 50 दिन, तो आप कितने खुश हैं। तो ये तो सौरभ जी आपको याद ही, नेता बने थे, जिस रास्ते आए हो बस उसी रास्ते चले जाओ, वरना फिर है ना हमसे बुरा कोई नहीं। बहुत अच्छे डायलॉग्स आई थिंक, जो टोन के साथ बोलते हैं वो बढ़िया है। ये जो अम्मा जी का रोल किरदार था, बहुत बढ़िया किरदार इन्होंने निभाया था। और फिल्म की जो यादें हैं वो अभी भी आपके और हमारे साथ जरूर है, क्योंकि ये फिल्म इतनी बढ़िया थी कि कोई भूल नहीं सकता है। और आप कितने खुश हैं कि इस फिल्म ने 50 दिन पूरे कर लिए और अभी भी ये फिल्म चल रही है, जिसके मैंने बताया आपको कोलकाता के मनी स्क्वायर मॉल में PVR के। जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही।